करनाल के समीप कुंजपुरा के रहने वाले 55 वर्षीय हरीश चंद्र की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुंजपुरा रोड पर सत्संग भवन के समीप एक व्यक्ति को कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं आसपास के लोगों ने हरीश चंद्र को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया, परंतु वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मृतक हरीश चंद्र के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को 8 बजे के करीब कोई अज्ञात वाहन हरीश चंद्र को टक्कर मारकर गया था, जिसकी सूचना उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई, जिसके बाद मौके पर आकर पता चला कि हरीश चंद्र की मौत हो गई है। हरीश चंद्र की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजन अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा सारे मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। हरीश कुमार जी, थोड़ा क्या बोलिए? हरीश कुमार जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार जी। उधर से फोन आया था मेरा, इधर गोल्ड मोम नहीं बारह सेक्टर, उधर से फोन आया था जी, ऐसे जी गुजर गए जी, साइड मार गए जी। ये टाइम था 8:30 बजे का टाइम था जी। कल की बात है? कल की, 8:30 बजे फोन आ गया था मेरा। क्या नाम था? हरीश चंद्र। क्या काम करते थे? उनका सेलमैन का काम था, हल्दी मिर्च साबुन का काम था जी। कहाँ पे? ये वो गाँव में ही अपने कुंजपुर में, नेवल हो गया, मैनमुति हो गया। तो किसी का पता लगा कौन टक्कर मार के गया? देखो सर, बात ऐसा कोई पता लगा नहीं, कोई कहता ट्रैली वाला है, कोई कहता कार वाला है। अब उनके डिटेल निकल जाए, कैमरे लग रहे सामने पेट्रोल पंप वाले के साथ, वो डिटेल काटे हैं। तो उम्र थी? उम्र उनकी थी 55 56 ऐसी थी, 55 थी। आपके क्या लगते थे? मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया साहब थे। कहाँ के रहने वाला? कुंज पर थी। कब आया था आपका फोन? मेरा फोन आया था वो सर ऐसे 8 बजे आया था, 8 बजे फोन आया था उधर से, गोल्डन मोमेंट से आया था फोन आया था। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? ये कल 9:10 9:30 बजे हमारे को सूचना मिली कि सत्संग घर कुंजपुरा रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से चलो इसके जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था उसको पब्लिक उठाकर अपने अस्पताल में ले आई, जहाँ डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला? ये हरीश चंद्र था, गाँव कुंजपुरा का रहने वाला था। कितनी उम्र थी? उम्र 56 और 57 साल के करीब। कोई पता लगा कैसे? हाँ? नहीं, कोई पता नहीं लगा किस चार्ज के साथ एक्सीडेंट हुआ है जी। टक्कर किसने मारी ये नहीं पता लगा, कोई भी किसी प्रकार का किसी व्हीकल का कोई पता नहीं लगा अभी किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे हुआ था हादसा? ये हादसा बतरा पेट्रोल पंप है कुंजपुरा रोड पे, बतरा एंड सत्संगर उसके आस पास। कब की घटना है? जैसे हमारे को तो 9:30 9 बजे करीब सूचना मिली थी, हम मौके पर गए तो मौके पर तो कुछ नहीं मिला हमारे को, एक उसकी एक्टिवा ये विक्की खड़ी मिली। तो क्या कार्रवाई की जा? कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दिया, कार्रवाई जारी है। सब परिजनों को हाँ, अब अपने कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम करवा के दाह संस्कार के लिए लाश को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।